alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and enjoy good health. Good to see you in the class. Let's start our class. In today's class, we are going to do story from Kasim's old shoes. Let's start. Once there was a hungry mouse. He could not find any food and soon grew very thin. He went out in field to search for food. Egg. चूहा था जो कि बहुत ही भूखा था और वो एक खेत में गया खाने की तलाश में एट लास्ट ही केम एक अ बिग बास्केट फुल ऑफ कॉर्न और आखिरकार उसे मकई से भरे दानों की टोकरी मिल गई द माउस वॉश डिलाइटेड एंड रैन टूअर्ड्स इट वो बहुत खुश हुआ और उसकी तरफ दौड़ा ही सिक्वीज हिमसेल्फ इन द बास्केट थ्रू अ स्मॉल होल एंड बिगेन टू ईट उस बास्केट के अंदर जाकर चूहे ने खाना शुरू कर दिया क्या मकई को एज ही वॉज हंग्री ही एट अलॉट एंड ग्रीव वेरी फैट वह बहुत भूखा था जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा मकई खा ली और वह बहुत मोटा हो गया आफ्टर ही वॉज डन द माउस ट्राई टू क्लाइंब आउट ऑफ दास्किट थ्रो द सेम होल बट गुड नॉट जहाँ से वो अंदर आया था जिस सुराख से अब वही सुराख उसके लिए बहुत छोटा था क्योंकि वह बहुत मोटा हो गया था और वह वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था ही वॉज टू फैट टू पास थ्रो द होल वह बहुत मोटा हो गया था दुअर माउस वासप्ड बे बिकॉज ऑफ हिज क्रीड और वो बेचारा चूहा अपने लालच की वजह से उस बास्केट में ट्रैप हो गया था पंस गया था लेट्स टू एक्सरसाइज़ लेट्साइज माउस वॉज वेरी हंग्री ही वेंट आउट इन अ फील्ड टू सर्च फॉर फूड देर वॉज कॉर्न इन द बास्केट आफ्टर ईटिंग द माउस बिकेम वेरी फैट द माउस वॉज ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड नाउ लेट्स डू अनादर टॉपिक फ्राम दिस चैप्टर स्टोरी राइटिंग

कछुए ने खरगोश को चैलेंज किया कि वो उसके साथ दौड़े एंड द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज और कछुए ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने एक रूट डिसाइड किया और इस तरह उनकी रेस स्टार्ट हो गई एंड देन वट हैपेंड द हेयर सोन लेफ्ट द टोटा इज फार बिहाइंड और खरगोश ने बहुत जल्दी कछुे को बहुत पीछे छोड़ दिया ही थाट दैट द टोटा इज इज़ टू स्लो एंड ही कैन रेस्ट फॉर आ वॉयल और उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत स्लो है मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ सो ही स्टॉप्ड अंडर अ ट्री एंड वेंट टू स्लीप और वो एक दरख के नीचे रुका और सो गया मीन माइल वॉकिंग द होल टाइम एंड रीच द विनिंग पॉइंट और इस दौरान कछुआ जो था वो चलता ही रहा और बहुत जल्द अपने विनिंग पॉइंट तक पहुंच गया एंड वन द हेयर वॉकअप ही सा दैट द टोटाइज हैज़ ऑलरेडी won द रेस और जब वो जागा तो उसने क्या देखा कि कछुआ जो है वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है और रेस जीत चुका है द मोरल लेसन ऑफ दिस स्टोरी इज स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस इट मीन्स ऑलवेज वर्क हार्ड लेट्स डू सम एक्सरसाइज फ्रॉम आवर वर्क बुक पार्ट सी टिक द ऑड वन आउट ऑड वन का मतलब होता है जो कि एक सीरीज चल रही है उसमें मुख्तलिफ स्ट्रेंज ईगल काइट वल्चर हैंन हैन इज दन टी कॉफ़ी जूस लेमनेट सूप आइसक्रीम इन दिस आइसक्रीम इज दी ऑर्ड वन बटर चीज केक मिल्क केक इज दी ऑर्ड वन एरोप्लेन कार टैक्सी बस कोच दीज आल रेस्ट ऑफ द व्हीकल्स कैन ट्रेवल ऑन रोड बट एरोप्लेन फ्लाई ऑन दी sky so aeroplane is the odd one anklet bracelet necklace wristwatch and shirt shirt is the odd one in the next part we will match the uh, words with their meanings given in the word bank let's start worried worried english meaning is nervous funny funny means humorous very large enormous too many numerous Wonderful, marvelous, and the last one, brave, means courageous. The next part, fill in the blanks with appropriate anagrams. Anagrams means different words with same spellings. Like as you can see in the first example, a part of your body, arm, a male sheep, ram. These are the two different words but with same spellings. Now let's do a short sleep during the day, nap, a utensil in which we cook, pan an animal that people ride horse the people wear land and sea meet shore a place to wash dishes sink something which covers our body skin skin covers our body something you use to make lemonade lemon a juicy fruit melon so these are the anagrams this is your today's lesson meet you in the next class take care of yourselves allah hafiz